नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिस्टू राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। स्कूल में बबूल के कांटों से बनाई बाउंड्री, गेट बनाया लकड़ी का। जनपद इटावा के बसरियर विकास खंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत मसनाई में बना पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जो 9 साल पूर्व में बना स्कूल के आसपास बाउंड्री न होने के कारण बबूल के कांटे लगाकर बनाई गई बाउंड्री और लकड़ी का बनाया गया गेट। वहां आसपास के ग्रामीणों ने बताया, स्कूल में 9 साल पूर्व में बना स्कूल, जो अभी तक स्कूल के आसपास बाउंड्री नहीं थी। स्कूल के अंदर अन्ना जानवर झुंड बनाकर स्कूल में घुस जाते, जो बच्चों के लिए खतरा होने के कारण स्कूल के आसपास कांटे लगाकर बनाई गई बाउंड्री और लकड़ी का बनाया गया गेट। उसी के अंदर लगा हेडपंप, जो काफी दिनों से खराब पड़ा और रसोइयों के लिए पानी भरने के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता। बच्चों को जब प्यास लगती तो रोड पार करके पानी के लिए भागकर पहुंचते। ग्रामीण शिवनाथ सिंह, अमर सिंह, बाबूजी राजेंद्र प्रसाद, अनेक ग्रामीणों ने बताया, बाउंड्री के लिए खंड विकास अधिकारी से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया। इस बाउंड्री के लिए भाई साहब कई बार प्रधान लोगों से दरखास्त की गई, BDO को भी बताया, सेक्रेटरी को भी बताया, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। क्योंकि यहाँ ग्राम प्रधान मौजा के जो हैं वो संजीव यादव, वो इटावा रहते हैं, वो अब कभी कब आते और चले जाते, देख के उनके बच्चे भी इटावा रहते हैं, तो उन्हें यहाँ शिक्षा से क्या लेना देना है। उनकी शिक्षा तो पालन पोषण जो हो रहा है वो हो रहा है इटावा में ही। अब यहाँ आम जनता रह गई तो आम जनता कुछ नहीं कर सकती। आम जनता ने वोट दे दिया, चले गए वो प्रधानों के यहाँ से। उसके बाद यहाँ हेडपम्प भी लग गया, उसकी भी आप वो ये कह रहे हैं कि मेरी शिकायत से हमारे पास सूचना नहीं आई। कई बार सूचनाएं पहुँची हैं, अब सूचना पहुँच जाए तो प्रधान जी कब आएंगे यहाँ? लोग इंतज़ार करेंगे उसका क्या? सूचना पहुँचने के बावजूद भी नहीं प्रधान जी कभी आते हैं। एक वोट के लालच में प्रधान जी अगर दोनों पक्ष लड़ जाए तो अभी आ जाएंगे, न दोबारा नहीं आने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। राजेंद्र प्रसाद, बताइए, आपके स्कूल में कोई कार्य नहीं हुआ है, क्या आप लोगों को दिक्कत नहीं होती क्या? क्या दिक्कत तो होती है, जब बच्चे पढ़ने आते हैं, जब बाउंड्री नहीं है, गाय बैल उनको अगर एक दूसरे से लड़ते हैं तो बच्चों को चोट लगने का खतरा रहता है। और क्या क्या परेशानी है स्कूल में? परेशानी का हैंडपम्प भी खराब है और बाउंड्री तो बनी ही नहीं है शुरू से। इसके लिए किसी से शिकायत नहीं की? शिकायत तो की गई होगी, लेकिन उतनी ऊपर लोगों को हमको क्या मालूम है।